भगवान बोल रहा है आप कारण अवतार पर रुकवा लेंगे और मैं से पहला अवतार महाकाल का माना गया है। महाकाल की शक्ति महाकाली है। दूसरा अवतार तारा का है जो सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरे अवतार का नाम भुवनेश्वर है जो अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति वाला भुवनेश्वरी को माना जाता है। चौथा अवतार विशेष की सोर्सी शक्ति है जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करती है। पांचवें अवतार का नाम भैरव है। उनकी भैर की शक्ति है जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। छठा अवतार छिन्नमस्ता का है। सातवां अवतार संपूर्ण धूम्रमान नामक अवतार है। इसकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल प्रदान कराती है। आठवां अवतार का नाम बगुलामुख है जिसकी शक्ति बगुलामुखी है। नवा अवतार का नाम माता के है। इस अवतार की शक्ति माता की माता है। शिवजी का दसवें अवतार का नाम कमल है और इसकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। इस तरह भगवान भोलेनाथ के लिए दस अवतार है। वैसे तो अनंत अवतार भोलेनाथ के लिए है लेकिन मुख्य अवतार ये माने जाते हैं। वहां आकर गंगा जी में स्नान किया तथा शिव जी का दर्शन करके पूजन किया। इसके पश्चात काशी में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु चिरकाल तक उन्होंने तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ भगवान शिव जी तथा देकर के अंतर ध्यान हुए। इसके बाद भगवान शिव जी अपना वचन पूरा करने हेतु कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। बड़ा भारी उत्सव मनाया मानो सभी शिवमय हो गया। उसी समय शिव जी के जन्म अवतार हुए और अवतारों के नाम कपाली इंद्र भीम रूपपात्र पुरोहित शास्ता अग्निपाल अपर बुद्ध शंभु चंड तथा भाव उपलोक सभी साक्षात रंत्र के रूप तथा सुख सागर है। इन एकांश रुद्रों में देवताओं को भलाई के लिए रुद्रों में असख्य देवतों का संहार भी किया। महर्षि अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनुसुईया से अनुसुईया के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या की आराधना कि खामोश पलकों से जब आंसू निकल आते हैं तुम क्या जानो हमें कितना याद आते हैं कि आज भी खड़े हैं हम उसी मोड़ पर जहां आपने कहा था जरा ठहरो हम अभी आते हैं। जहां आपने कहा था ठहरो हम अभी आते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
ಬಲು ಲಗದು ಮೋಹನ ತಿರೋ ಹಸಿ ಹಸಿ ಬಚನೋ ರೇ.